हेलो माय लवली किड्स, टुडे आवर टॉपिक इज भाषा, जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा को हम बोलकर, लिखकर या अपने मन के विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं, यह भाषा कहलाती है। भाषा को किसी भी तरीके से बोलकर, लिखकर या आपके मन में कोई भी बात होती है वो हम किसी से भी शेयर कर सकते हैं। किसी भी बात का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। भाषा बातचीत करने में हमारी मदद करती है और आप सब जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। चलिए आगे देखते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, फर्स्ट मौखिक एंड सेकंड लिखित। मौखिक मीन्स बोलना और लिखित मीन्स लिखना। मौखिक रूप में हम अपनी बात बोलकर दूसरों को बताते और समझाते हैं, यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कि यहाँ एक बच्चा अपनी बात को कह रहा है और दूसरा उसको सुनकर समझ रहा है, यह भी भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। नेक्स्ट इज लिखित रूप। लिखित रूप में हम अपनी बात लिखकर और पढ़कर समझाते और समझते हैं, यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ अध्यापक लिख रहा है और छात्र छात्राएं पढ़कर समझ रहे हैं, यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित मीन्स लिखना, लिखकर समझना और समझाना। इसकी सहायता से हम अपने मन के बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। थैंक यू।